छठ महापर्व प्रतिष्ठा का पर्व, संस्कृति का पर्व, समर्पण का पर्व, आस्था का पर्व। जी हाँ, छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से शुक्रवार यानी आज से हो गई है। इस दिन छठ व्रती घर के नज़दीक की किसी नदी में स्नान करती हैं, फिर इसके बाद सिर्फ सुबह खाना खाती हैं। आमतौर पर सुबह चावल दाल खाया जाता है। इसके साथ ही चार दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। चार दिवसीय पर्व के दौरान सिर्फ एक समय ही खाना खाया जाता है, इस लिहाज से यह 36 घंटे निर्जला उपवास वाला त्योहार होता है। बता दें, नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है। दरअसल छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है। इस रोज भोग तैयार किया जाता है। खरना के दूसरे रोज की शाम के समय मीठा भात या लौकी की खिचड़ी खाने का नियम है। इसके बाद व्रत का तीसरा दिन दूसरे दिन के ठीक बाद शुरू हो जाता है। छठ पूजा में तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूप में दूध या जल भरकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को छठ व्रती महिलाएं और पुरुष भी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बता दें, रविवार यानी 30 अक्टूबर को तीसरे दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:37 है। इस तरह चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है।